यूक्रेनी फौजी की छाती से फसिया जिंदा ग्रनेड डॉक्टर ने सुरक्षित कढ़िया बाहर। रूस यूक्रेन के विचाले जारी युद्ध के 11 महीने होने वाले हैं। इस दौरान यूक्रेन के जंग के दौरान एक फौजी की छाती में फसे जिंदा ग्रनेड को सुरक्षित बाहर कढ़ लिया गया। ऑपरेशन के शामिल डॉक्टर फौजी की जान बचाने के लिए नायक वजो सहाया गया है। इस ग्रनेड के उपरांत यूक्रेन के शहर बखमुत की लड़ाई के फौजी की छाती के फस गया। चंगी गल यह है कि ग्रनेड फटिया नहीं, फौजी के शरीर के फसे इस विस्फोटक वॉग ग्रनेड वजो जाना जाता है, जिस विच ग्रनेड लॉन्चर तो फायर के लिए डिजाइन किया जाता है। बुखमुत के जितने के लिए रूस और यूक्रेन के भयानक जंग जारी है। इस विच यूक्रेन दी कई थाना निजी फौज विगेनर ग्रुप कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रही है। यूक्रेन दे विच फोर्स और जनरल स्टाफ के अनुसार डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान किसी भी समय ग्रनेड फटने का डर सी। इसके बावजूद सर्जन मेजर जनरल एंट्री ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके ग्रनेड को बाहर कढ़ लिया। ग्रनेड फटन तो रोकने के लिए होर सैनिकों ने इस दलियाना ऑपरेशन दे विच मदद की। यूक्रेनी फौज ने सब तो तजर्बेकार सर्जनों में एक मेजर जनरल एंड्रियो विलोन भी दसिया है कि साड़ी फौजी डॉक्टर ने एक वॉग ग्रनेड को हटाने के लिए एक ऑपरेशन किया है। गल करेंगे अगली खबर बारी। चीन शख्स ने भीड़ नूं कार दे नाल कुचलिया, 5 लोगों की हुई मौत। चीन दे ग्वांगजो दे भीड़ वाले इलाके दे विच एक व्यक्ति ने कार दे नाल कई लोगों नूं कुचल दिता। इस हादसे दे विच करीब 5 लोगों की मौत हो गई, जदों कि 13 होर लोग दसे जा रहे हैं कि जो जख्मी हैं। इन्ना ही नहीं, दोषियों ने हादसे तों बाद नोटा दे बंडल हवा दे विच उछाले। इस हादसे दी सीसीटीवी फुटेज सामने आई, इस नूं सोशल मीडिया दे खूब शेयर भी किया जा रहा है। पुलिस ने 22 साल दोषी नूं हिरासत विच लै के जांच शुरू कर दी। वीडियो विच देखिया जा सकता है कि दोषी भीड़ वाले इलाके में एक तेज रफ्तार कार के नाल लोगों को कुचल रहा है। बीबीसी मुताबिक एक हादसा 19 मिलियन की आबादी वाले शहर के बुधवार शाम वेले वापरिया, जिथे भीड़ भड़के वाले इलाके होया है। एक जश्नदीन ने दसा कि दोषी ने जान बुझ के ट्रैफिक लाइट के ग्रीन होने की उड़ीक रहे लोगों की गड्डी चढ़ा दी। इन्ना ही नहीं, दोषी ने लोगों को कुचण तो बाद यू टर्न मार के फिर उन्होंने कुचल दिता। वह बहुत तेजी के नाल गड्डी चला रहा है, पर कुछ लोग समय सिर भज नहीं सके क्योंकि किसी को इस गल का अंदाजा नहीं सी कि मुजरिम जान बुझ के लोगों को कुचल रहा है। तुहानू दस दिए कि पुलिस ने मुखी दे वल्लों दस्सिया गया है कि मुजरिम नूं पुछगिछ दे लई पुलिस ने अपनी हिरासत दे विच लिता है। घटना गंभीर जांच का विषय बन गई है। गल करांगे अगली खबर पर। ना कोई देश ना घर, एयरपोर्ट ते रह रहा है शख्स हुण इस देश ने दित्ती नागरिकता। किसी देश का नागरिक होना व्यक्ति की पछाण का अहम हिस्सा, पर जेकर किसी का कोई देश नहीं तो की होगा। 41 साल हुसैन एक अजिहा व्यक्ति है जो कुछ दिन पहला तक राज रहत सी, यानी कि किसी देश का नागरिक नहीं सी। किसी भी देश ने अपना घर ना होने के कारण वह हमेशा मलेशिया के एयरपोर्ट से ही 7 महीनिया रहा है, पर हुण उसनू अपने घर दसन दे लई एक देश लभ गया है। सालां दी भटकण तों बाद आखिरकार बुधवार नूं सियारिया शरणदशी हसन ने कैनेडियन नागरिकता मिल गई है। बुधवार नूं उन्होंने कनेडा दे नागरिक होण दी सहुं चुक लई अपनी खुशी जाहिर करदे हुए हसन ने कहा है कि यह जित उन्होंने सालां दे संघर्ष दा नतीजा है, पर इस लड़ाई दे विच उसने बहुत कुछ गवा दिता। उन्होंने दस्सिया कि इस दे लई मैं एक बर्बाद देश सीरिया गवा दिता है। जदों मेरे पिता नूं मेरी सब तो वध लोड़ सी, मैं उसे लई उत्थे नहीं गया। आखिरकार उन्होंने मौत हो गई। हसन युद्ध प्रभावित सीरिया तो भज के संयुक्त अरब अमीरात गया, जिथे वह 11 साल रहा, पर साल 2017 दे विच उसनूं देश वजों निकाल दिता गया सी।